अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा मीठा लेके आई हूँ, स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई। आज हम बना रहे हैं फ्रूट ट्रैफल, तो जल्दी से चलते हैं। आज फ्रूट ट्रैफल बना रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स तरफ चलेंगे और बहुत ही माउथ वाटरिंग ट्रैफल बनेगा। यहाँ पे दूध ले रही हूँ मैं ऑल पर्पस का, रफान कस्टर्ड यूज़ करेंगे वनीला, और ये दो जेलीज लेंगे हम, रेड और ग्रीन जेली क्रीम, और ये चीनी ले रही हूँ मैं। ठीक है, चीनी में आपको बताऊँ कितनी ऐड करनी है हमने। और यहाँ पे हम ले रहे हैं प्लेन केक, जो नॉर्मल केक प्लेन होता है ये ले रहे हैं हम। और इसके साथ ही इसके अंदर हम कुछ फ्रूट्स ऐड करेंगे, फ्रूट ट्रैफल बन रहा है तो उसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं हम, बनाना, ग्रेप्स और एप्पल्स। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पतीली ले ली है, और इसके अंदर सबसे पहले हम दूध, मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध का जो है हम कस्टर्ड बना रहे हैं। ठीक है, 1 लीटर दूध लिए यहाँ पे ले रही हूँ मैं, ऑल पर्पस का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी यूज़ करते हैं, फ्रेश मिल्क वगैरह जो भी, तो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया, जब तक दूध हमने बॉईल करने के लिए रखा है तो हम यहाँ पे अपनी जेली तैयार कर लेते हैं। और जेली तैयार करने का तरीका बहुत ही आसान है, इसके डब्बे पर लिखा हुआ है। तकरीबन 2 कप पानी लिया है छोटे कप से, और बस जब हल्का सा बॉयल होने लगे तो जेली का पैकेट हमने खोल के डालना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं जो अच्छे से डिजोल्व हो जाएँ, और बस हमारी जेली जो रेडी हो जाएगी। और हमने किसी भी बाउल में जिसमें भी आपने जमाना है इसको, तो उसमें हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 जेलीज यूज़ करिए, आप चाहें तो जो भी कलर चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रेड और ग्रीन कलर की जेली 2 यूज़ करूँगी। तो जेली हमारी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको इस बाउल में निकाल ले रही हूँ और इसमें हम इसको ठंडा कर लेंगे। इस तरीके से मैं अब रेड जेली भी जो है वो बना लूँगी। और ये पानी हमारा जो देखें हल्के से बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया, अब हमने रेड जेली जो हमने इसका जो पाउडर है ये इसके अंदर ऐड करके इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसका पाउडर जो है वो अच्छे से पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए। और उसके बाद इसको भी हम जो है किसी बाउल में निकाल लेंगे और इसको भी जमा लेंगे। दूध भी हमारा तकरीबन बॉयल हो चुका है और ये देखिए जेली हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी जेली को, ये हम निकाल लेंगे बाउल में इसको। हमारी जेली रेडी हो चुकी है, जब तक ठंडी कस्टर्ड बनेगा ठंडी हो जाएंगी। और यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका था तो इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी 1 कप, और मेरे क्लिप जो है मुझसे मिस हो गया है, तो ये दूध बॉयल हो चुका था तो इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी ऐड कर दी है। और चीनी भी हमारी अच्छे से जो है उसके अंदर डिजोल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल दूध जो है लिया है, उसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून जो है कस्टर्ड पाउडर वनीला कस्टर्ड यूज कर रहे हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। दूध ठंडा लेंगे, गर्म नहीं लेंगे। और दो उसमें जो है 5 से 6 खाने के चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स किया है। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे दूध में, चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है, और इसके साथ ही जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके अंदर जो है लम्स ना बने। तो चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है इसमें, इस तरीके से हम चलाएँगे चमचा इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे और ताकि एकदम ज़्यादा ना हो जाए, गाढ़ा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है हमने कस्टर्ड को। तो चलो देखिए कस्टर्ड हमारा तकरीबन गाढ़ा हो चुका है, और अब हमने इसको जो है वो ठंडा करना है कस्टर्ड को। तो यहाँ पे जब तक हम अपने फ्रूट भी कट कर लेते हैं, तो ये मैं केले जो है इन केलों को कट कर लेंगे हम, और सेब और अंगूर यूज़ करें। उसके अलावा और भी जो मौसम के फ्रूट्स हैं आप जो भी ऐड करना चाहें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और तो आप टिन में जो फ्रूट्स आते हैं वो भी लेकिन अभी जो फ्रेश फ्रूट्स हैं हमारे सीजन के जो फ्रूट हैं तो वो उसमें ऐड करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर केले हमने कट कर लिए हैं, और इस तरीके से हम सेब भी छोटे छोटे क्यूब में कट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाला कस्टर्ड है ये ट्राइफल है, तो उसको जरूर ट्राई कीजिए। घर में कोई भी दावत हो, कोई मेहमान आ रहा हो, झटपट आप जल्दी बना सकते हैं एज अ स्वीट डिश। तो ये मैंने फ्रूट भी अपने हमारे कट हो गए, और यहाँ पे जो है कस्टर्ड मेरा थोड़ा ठंडा हो गया तो उसके अंदर जो मैंने 1 पैकेट क्रीम जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रूट जो है कस्टर्ड को ठंडा होने के बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे ताकि फ्रूट जो है काले ना हो। तो अभी कस्टर्ड थोड़ा सा और बाकी है, उसको ठंडा करने के बाद फिर हम फूड ऐड करेंगे। तो चलिए देखिए कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, और अब इसके अंदर जो है तमाम फूड जो मैंने कट किए हैं सेब केले अंगूर, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कस्टर्ड के अंदर। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और अगर गर्म उसमें ऐड करेंगे हम तो केले वगैरह सेब जो है सब काले हो जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये इसके अंदर चले गए हमारे फ्रूट चले गए इसके अंदर, और अब इसको अच्छे से कस्टर्ड में मिक्स कर देंगे।
ठीक है, इस ये देखें बिल्कुल मिक्स हो गए। अब हम इसको जो है डिश में जो है करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने प्लेन केक लिया है, ये मैं केक के पीसेस तरीके से अंदर रखेंगे। तो इसके अंदर एक टिप आपको बताऊंगी, नॉर्मली हम केक जैसे नॉर्मल इस तरह से रख के सिंपल ऊपर से कस्टर्ड डालते ठंडा होने के बाद केक हमारा जो हार्ड हो जाता है, तो उसके लिए टिप ये है कि आप नीम गर्म दूध थोड़ा सा लीजिए, और ये नीम गर्म दूध मैंने लिया है और इसको थोड़ा सा जो है इसके ऊपर से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे केक के स्लाइसिस के ऊपर। तो उससे क्या होगा, जब कस्टर्ड ठंडा होने के बाद भी जो है ना इसके अंदर जो केक जो होगा वो सॉफ्ट ही रहेगा, मतलब हार्ड नहीं होगा। तो ये एक टिप है, नीम गर्म दूध इसके ऊपर इससे एकदम डाल देंगे, तो उससे हमारे केक के स्लाइसेस जो है ठंडे होने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। नीम गर्म दूध डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे हम, ये इस तरीके से कस्टर्ड की लेयर लगा लेंगे हम। और यहाँ पे मैं एक छोटे बॉल में जो है वो अपनी बेटी के लिए जो है सर्व कर रही हूँ, तो उसमें मैंने ये केक के पीसेस रखे हैं, दूध नीम गर्म दूध डाला है और इसके ऊपर जो है वो कस्टर्ड डाल रही हूँ मैं। छोटी सी गिलास उनके लिए अलग सर्व कर रही हूँ ताकि जो बच्चे जो है खुश हो जाते हैं, बच्चों को इस तरीके से प्रेजेंट करके दिया जाए चीज तो थोड़ी सी बच्चे जो है ना अहमियत हो जाती है बच्चों की। तो ये देखिए केक जो थोड़ा सा बचा है मैं ऊपर से इस तरीके से इसको चूरा करके इसके ऊपर, आपकी मर्जी डेकोरेशन आपने जिस तरीके से भी करना है, तो ये मैं अलग से एक ग्लास डेकोरेट कर रही हूँ अपनी छोटी वाली बेटी के लिए ताकि वो ज़रा खुश जाएंगी, स्पेशल उनके लिए बनाए। तो यहाँ मैंने जेलीज भी इसके अंदर लगा दी है, आपकी मर्जी जिस तरीके से कटिंग करके जो भी आपने डेकोरेशन करनी है। और फिर इसके ऊपर हल्की सी क्रीम जो है वो उसके ऊपर डालेंगे। तो देखिए झटपट हमारा ट्राइफल रेडी हो चुका है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने अगर मेरे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली और वीडियोस आपको मिल सकें। और इस तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियोस वॉच करते रहिए और मुझे जो है हौसला देते रहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये देखें कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है और मैंने बाउल में भी इसको सर्व कर लिया है और इसको डेकोरेट कर लिया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा फूड ट्राइफल रेडी हो चुका है, इसको ठंडा करेंगे हम। और ठंडा करने के बाद फिर इसको जो है वो ठंडा अच्छा चल जितना अच्छा ठंडा होगा कस्टर्ड उतना मज़ेदार लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ट्राइफल की रेसिपी। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।